जल्दी कैसे आ गए? ये हमारा महल है, हम यहाँ जब चाहे तब आ जा सकते हैं। तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले? सेनापति, हम अपने राज्य की सीमाओं को और बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन महाराज, उसके लिए तो हम जानते हैं, उसके लिए हमें पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना होगा। सेनापति, इस सप्ताह के अंत में ही सेना को हमारी सीमाओं से लगे सभी राज्यों पर आक्रमण करने का आदेश दे दो। महाराज, क्षमा कीजिए, मैं आपकी इस बात का विरोध करता हूँ। आक्रमण अपनी रक्षा के लिए शत्रुओं पर किया जाता है, मित्रों पर नहीं। करी ये मजाल कि तुम मेरी बात का विद्रोह करे, तू देशद्रोही। ठीक है, रुको, मैं इसे खत्म कर देता हूँ। महाराज, ये आपको क्या हो गया है? सैनिकों, पकड़ लो इसे। महाराज का बर्ताव कुछ अजीब है, और वो चक्र भी नहीं निकाल पाए, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। रे अंगूठी, खोल दे तू ये राज, क्यों बदले बदले से है महाराज। ओ, ये तो काला पहाड़ है। ये क्या, ये कैसी अजीब सी चिड़िया है? इस राज को जानने के लिए मुझे काले पहाड़ पर जाना होगा। चमचम चुड़ैल, खोपड़ी और डम डम डमा की लाश। जरूर ये जाल इन्होंने ही बिछाया होगा, पर मामला क्या है? कब से इस विक्रम की पहरेदारी कर रही हूँ, यहाँ बैठे बैठे मुझे तो नींद आ रही है। क्या हम कर रहे हैं पहरेदारी? वहाँ ले रहे हैं महल में दवा निंदिया प्यारी। तो ये बात है, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ब्राह्मण, एक बार राजा विक्रम और मुंजा खत्म हो जाए, फिर उस महल में जाकर हम सोएंगे। इन लोगों को तो चैन की नींद सुलानी ही होगी। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आ रही है मुझे भी नींद है प्यारी। देख आ गई नींद प्यारी। अब मुझे किसी एक बार राजा विक्रम और मुंजा खत्म हो जाए, फिर उस महल में जाकर हम सोएंगे। इन लोगों को तो चैन की नींद सुलानी ही होगी। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आ रही है मुझे भी नींद है प्यारी। देख आ गई नींद प्यारी। मुझे महाराज, महाराज आप चिंतित न होइए, अब मैं आ गया हूँ। वाह मुंजा, तुम फिर से ठीक समय पर आ गए। अब इसके पहले कि वो जाग जाए, जल्दी चलो। उसकी चिंता मत कीजिए महाराज, वो लोग लंबी नींद सोएंगे। नींद की रेत। शाबाश मुंजा,
पर तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया? कुछ अपनी होशियारी से, बाकी अपनी अंगूठी की मदद से। ये तो बताइए महाराज, आप इस शरीर में आए कैसे? भलाई करने गया और डम डम डमाक की जाल में फंस गया। उस दिन जब मैं काली माँ के मंदिर से पूजा करके वापस लौट रहा था तो मुझे कहीं से रोने की आवाज सुनाई दी। झाड़ी के पीछे झांक कर देखा तो एक अजीब सी चिड़िया रो रही थी, और फिर उसे पूछने पर पता चला, इस पड़ोस राज्य में आके घोंसला बनाते मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब मैं और मेरा बेटा जी कर क्या करेंगे? मैंने उसका घोंसला बनाने में मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने मुझे ये कहकर रोक लिया कि हम सिर्फ अपने पति के हाथ से बने घोंसले में ही रहते हैं। अब ये संभव नहीं है राजा विक्रम, यहाँ रोते रोते मुझे भी मेरे प्राण त्यागने होंगे। तब मैंने इंद्रदेव के दिए हुए मंत्र से उसके पति के शरीर में प्रवेश कर लिया। ओम यम क्लिम फट, ओम यम क्लिम फट। मैंने भागने की कोशिश की, पर उसके जादू के बल से डमडम ने मुझे अपने वश में कर लिया और यहाँ कैद कर दिया। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि हमारे महाराज कैसे बुरे हो गए। महाराज, अब देखिए कैसे मैं इन लोगों को ठीक करता हूँ। चलो मुंजा, अब मुझे किसी भी तरह इस चिड़िया की शरीर से निकलकर अपने शरीर में प्रवेश करना ही होगा, नहीं तो वो दुष्ट तांत्रिक यहाँ से बच के नहीं जा सकते। अब तुम दोनों की आत्मा को मैं मुक्त कर दूंगा, क्योंकि अब मैं विक्रम हूँ, समस्त शक्तियों का मालिक। मुंजा यहाँ आ गया है। क्यों उठा रहे हैं वो डमडम? तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि ये शरीर विक्रम का है। अब तू देख मुंजा कैसे बनाता है तुझे गंजा। किसी काम के नहीं, अब मुझे ही मुंजा को खत्म करना पड़ेगा। मत काट, तुम्हारे महाराज का शरीर है ये। मुझे इस शरीर से निकलना ही होगा। ओम यम क्लिम फट, ओम यम क्लिम फट, ओम यम क्लिम फट, ओम यम क्लिम फट। आखिरकार मैं अपने शरीर में आ ही गया। अब देखता हूँ इस डमडम को। हिम्मत है तो उठा तलवार और मेरे वार का सामना कर। हमारे वार का सामना महाराज? तेरा सारा खेल खत्म कर दिया मुंजा। अगली बार मैं तुम्हें देख लूंगा विक्रम, देख लूंगा तुझे विक्रम। मुंजा, मुझे क्षमा करना, मेरे कारण
तुम्हें इस दुष्ट तांत्रिक ने बहुत कष्ट दिया। महाराज आप क्षमा मांग के मुझे लज्जित ना करें, मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक बाद में, पहले मित्र।